हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डॉग सप्लीमेंट के बारे में। और मेरी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसको स्किप ना करिए, क्योंकि बहुत ही मैं डीप बताने वाला हूँ। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके उससे छूट जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रोल्स के कैल्शियम टेबलेट्स के बारे में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कैल्शियम, जो कि 8% पे है इसमें, जो कि मेजर इसका एक कंपोनेंट है। और फास्फोरस 6.6% पे है, मैग्नीशियम 0.2% पे। इसके अलावा और विटामिन D3 है, B12 है, निकोटिनामाइड है, थायमिन है और विटामिन सी है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी ब्रांड पे, ये बीफर। बीफर के कैल्शियम टेबलेट्स के ऊपर देखते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इसमें मेजर कंपोनेंट में जो हमारा कैल्शियम होता है वो 12% है इसमें, और फास्फोरस 6% है, मैग्नीशियम 0.17% है। इसके अलावा क्रूड फैट है, क्रूड फाइबर है, क्रूड एस है एंड मॉइस्चर है। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा, किसको हमें चूज़ करना चाहिए, ये हमें कंपैरिजन करके चलिए इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ ड्रोल्स का है और एक तरफ बेफर का है। ड्रोल्स में जहाँ कैल्शियम 8% पाया जाता है, वहाँ पे बेफर में कैल्शियम 12% है। फास्फोरस जहाँ ड्रोल्स में 6.6% है, बेफर में जो है आपका 6% है। मैग्नीशियम 0.2% है ड्रोल्स में और बेफर में 0.17%। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको यही यहाँ पे लगेगा कि बेफर ही यहाँ पे बाजी मार रहा है। इसके अलावा जो विटामिन्स वगैरह हैं उस थोड़े बहुत, वो विटामिन D3 आपका बेफर में भी पाया जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ करिए, आपको जो लगता है ठीक है उस हिसाब से सिलेक्ट करिए। इसके अलावा ड्रोल्स ने शो किया है कि इनकी टैबलेट्स स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए हैं, प्रमोट है जॉइंट हेल्थ के लिए है। वैसे ही बेफर ने अपने में शो कर रखा है कि इनका भी जो है वो बोन्स के लिए, टीथ के लिए है, स्किन के लिए है एंड कोट के लिए। तो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम यहाँ पे कंपेयर करके एक बार देखते हैं। ठीक है, दोनों में लगभग सिमिलर चीज़ें ही कही गई हैं, लेकिन बेफर में अगर एक चीज़ हम देखें, लास्ट लाइन नोट करें, तो उसमें लिखा है हंटिंग एंड स्पोर्टिंग डॉग्स। तो अगर ये रॉटवेलर के लिए बात करें तो एक वो रॉटवेलर एक हंटिंग एंड स्पोर्टिंग डॉग है, तो आप बेफर को रॉटवेलर के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या डोज देनी चाहिए। जैसे कि ड्रोल्स ने शो कर रखा है कि लेस दैन 20 kg के डॉग को हम 1 से 2 टैबलेट दें, और अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 20 kg से अबव है तो उसे 2 से 4 टैबलेट्स दी जाए। ठीक है, उसी तरीके से बेफर ने भी अपने में एक कर रखा है कि इन्होंने डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द डॉग 3 to 6 टैबलेट आपको देनी है। या तो आप उसे डायरेक्टली दे सकते हैं और या आप उसे खाने मिला के भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके डॉग के साइज़ पे कि वो रॉ टैबलेट्स खा सकता है या नहीं खा सकता। अगर बहुत छोटा है, पपी है, तो उसे 1 या 2 टैबलेट दीजिए। अगर वो डॉग हो जाए तो उसको 3 to 6 टैबलेट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मेरा पपी अभी 3 मंथ का होने वाला है, तो मैं उसे 3 टैबलेट दे देता हूँ। वो टैबलेट डायरेक्ट इनटेक कर लेता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उसको खिलाने में। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसे बेफर ने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि ये सुटेबल है फॉर प्रेग्नेंट या लैक्टिंग डॉग के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये भी कह रखा है इन्होंने कि अगर आपका पपी 6 वीक से बिलो है, यानी कि 6 वीक से छोटा है, तो उसको आप टैबलेट ये नहीं देंगे। ये टैबलेट्स जो है 6 वीक से अबव के पपी के लिए सुटेबल हैं, जबकि ड्रोल्स ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे ड्रोल्स के विटामिन्स टैबलेट के बारे में कि उनमें क्या है और क्या नहीं है, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम बेफर की टॉप 10 मल्टी विटामिन्स टैबलेट से। तो आइए देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। अब हम पहले बात करते हैं ड्रोल्स के विटामिन्स मल्टी विटामिन टैबलेट के बारे में। इसमें भी इन्होंने कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम दे रखा है। उसके साथ साथ इन्होंने विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, थायमिन, राइबोफ्लेविन, डी पैंथोनिक एसिड, नियासिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, B12 और B6, ये सब दे रखा है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम बेफर को भी देखें तो बेफर में भी इन्होंने विटामिन ए, विटामिन B1, B2, नियासिन, पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6, B12, विटामिन ई, विटामिन D3। इसके साथ इन्होंने जो बेस्ट थिंग दे रखी है बायोटिन, जो कि बायोटिन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में L कैरनिटिन,
ये जो है नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। और बाकी चीज़ें भी इसमें हैं जो फास्फोरस, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, वो सब दोनों में लगभग सेम है। फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए इन दोनों के कंपैरिजन में भी, तब भी बेफर ही बेस्ट जा रहा है। अब अगर हम डोज़ की बात करें तो डोज़ में सेम वही चीज़ कहा गया है कि अगर 20 kg से लेस देन है आपका पपी या डॉग तो उसको 1 से 2 टैबलेट, और 20 kg से अबव है तो उसे 2 से 4 टैबलेट दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेफर में बात करें तो बेफर में चीज़ चेंज हो गई है। उसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका पपी 5 kg का है तो उसे 1 टैबलेट दीजिए, 10 का है तो 2 टैबलेट, 15 का है तो 3 टैबलेट, इसी तरीके से पर 5 kg पे 1 टैबलेट उसकी डोज होनी चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ पेपर में साफ साफ इंस्ट्रक्शन भी दे रखा गया है कि ओवर डोज को अवॉइड करिए, ओवर डोज नहीं होनी चाहिए। आप अपने पप्पी का वेट कर लीजिए, उसके बाद ही उसको उसी हिसाब से डोज दीजिए। लास्ट थिंग कि हम इस पे बात करेंगे कि अगर आपका पप्पी जो है अभी 50 डेज या 45 डेज से बिलो है तो उसको क्या देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये प्रोविबूस्ट ड्रॉप आता है एक, जिसमें कि देख सकते हैं आप इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स विद DHA जो है होता है, जो कि बच्चों के लिए DHA बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपका पपी 30 डेज से अबव हो तो 30 डेज से लेकर 50 डेज तक उसको आप प्रोविबूस्ट की डोज दे सकते हैं। और डोज़ के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और यह पपी को ही नहीं, अगर आपके यहाँ कोई बिल्ली है उसको भी दे सकते हैं, कोई पेट बर्ड है तो उसको भी दे सकते हैं। इसमें डोज़ तीनों की अलग अलग दी गई है। जैसे पपी के लिए कहा गया है कि 5 से 6 ड्रॉप दिन में 2 बार, और बिल्ली है तो 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2 बार, और अगर आपका कोई पेट बर्ड है तो 1 से 2 ड्रॉप पर डे उसे दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। थैंक यू।